नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी दोस्तों यहाँ पे खबर निकल के आ चुकी है। जैसा आप सभी को पता ही होगा कि 21 जून को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इसके बारे में आप सभी को खास बातें बताने वाला हूँ, आखिरकार क्यों ये खास होने वाला है, साथ ही साथ दोस्तों कब ये लगने वाला है, इसकी टाइमिंग क्या होने वाली है, भारतीय समयानुसार कितने बजे लगने वाला है, तो इसके बारे में आपको ए टू जेड पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि 21 जून को इस साल का 2020 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। हाँ दोस्तों, 21 जून को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो कई मायनों में खास है। ग्रहण रविवार को सुबह 10:33, हाँ दोस्तों 10:33 पे शुरू होगा और अपराह्न यानी दोपहर 2:04 तक चलेगा। और दोस्तों आप सभी को ये भी बता दूं कि सूर्य ग्रहण का मध्यकाल यानी दोस्तों पूर्ण जो यहाँ पे सूर्य ग्रहण होने वाला कब होने वाला है, तो 12:18 पे होगा, यानी दोस्तों दोपहर 12:18 पे मध्यकाल होने वाला है। इसके साथ आप सभी को ये भी बता दूं कि आखिरकार सूतक काल कब से शुरू होने वाला है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, 20 जून यानी दोस्तों सूर्य ग्रहण से एक दिन पहले 20 जून को 10:00 यानी रात 10:33 पे सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण आखिरकार क्यों होता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। तो दोस्तों इस सूर्य ग्रहण की खगोलीय घटना में क्या होता है कि जब यहाँ पे पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, हाँ दोस्तों जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पे पड़ने लगती है, तो पृथ्वी के जिस भाग में छाया पड़ती है वहाँ पे सूर्य ग्रहण हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार सूर्य ग्रहण में क्या क्या काम नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि इसमें कई काम वर्जित होते हैं। जैसे आप सभी को ये बता दूं कि इस दौरान आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों मंदिर भी बंद रहते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि इसमें खाने का परहेज किया जाता है, और दोस्तों इस दौरान आपको पानी भी नहीं पीना चाहिए। अगर हम बात करते हैं दोस्तों शास्त्रों के अनुसार, तो ग्रहण के बाद स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद कोई अन्य काम करने की विधान नहीं है। और दोस्तों आप सभी को ये भी बता दूं कि ग्रहण के बाद स्नान व दान करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए और खाना बनने के बाद उसमें तुलसी के पत्ते डालने चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये सूर्य ग्रहण सबसे खास क्यों होने वाला है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि इससे 19 साल पहले यानी दोस्तों 2020 से 19 साल पहले 2001 में इसी दिन दोस्तों यानी 21 जून को ही सूर्य ग्रहण हुआ था और उसमें भी इसी तरह की घटना हुई थी। अब दोस्तों बात करते हैं कि कई लोगों का मानना है कि जो यहाँ पे 21 जून का सूर्य ग्रहण होने वाला है यानी दोस्तों इस साल का पहला सूर्य ग्रहण होने वाला है, वो कोरोना वायरस से लड़ने में समर्थ है। यानी दोस्तों ज्योतिषों का मानना यही है कि इस सूर्य ग्रहण के कारण पूरा कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ दोस्तों ये बताइएगा कि क्या सूर्य ग्रहण के कारण कोरोना का अंत हो सकता है या फिर नहीं। तो जरूर अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए। तो मिलते हैं कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।